एक अघोरी अगर कभी किसी मुर्दे का मांस खा ले रहा है, या मांस नहीं भी खा रहा, मुर्दे के पास ही बैठ गया है और बस मुर्दे को देख रहा है और शमशान साधना कर रहा है, तो उसका अर्थ क्या है? वो कह रहा है ये संसारी लोग होंगे जो जीवन और मृत्यु को अलग अलग समझते हैं। तुम्हारी नैतिकता के लिए जो चीज बिल्कुल परित्यक्त है, जो कुछ ऐसा है जिसको तुम रिजेक्ट करे बैठे हो, हमें समझ में आ रहा है उसमें और उन चीजों में कोई अंतर नहीं है जिनको तुम एक्सेप्ट करे बैठे हो। ये सब प्रकृति में एक बराबर है, बस हम तुम्हारी नैतिकता की धज्जियां उड़ाए देते हैं उस चीज को ग्रहण करके जिसको तुम सबसे बुरा बोलते हो। मुझे एक बात बताओ, दुनिया में इतने लोग हैं, 800 करोड़ हो गई आबादी, लेकिन सब लोग जो चीजें पाना चाहते हैं उनको आप कुल मिला करके 4 या 5 वर्गों में रख सकते हो, इससे ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। एक दो तीन तो बोली थी, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, एजुकेशन और कर दो, उसमें फेम जोड़ दो, उसमें ट्रैवल जोड़ दो, उसमें सेक्स जोड़ दो, पैसा जोड़ दो, यही सब चीजें हैं कुल मिला करके। ऐसा कैसे हो सकता है कि 800 करोड़ लोग यही 5-7 चीजें चाहते हो सबके सब, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि सबको एक ही तरह की चीजें चाहने को मजबूर किया जा रहा है।